जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, हमें 2 साल तक कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अभी खत्म नहीं होगा कोरोना। सत्येंद्र जैन का आरोप, दिल्ली में विदेशों की वजह से आया कोरोना। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या पर बोले सत्येंद्र जैन, दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं इसीलिए बढ़ रहे आंकड़े, हरियाणा यूपी में कोरोना टेस्ट नहीं होने का लगाया आरोप। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पीड़ितों के बीच खुला सदर बाजार, एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार, इलाके में 180 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमित, 25 पीड़ितों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1007 नए मामले, कुल आंकड़ा 31,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में जामा मस्जिद के कर्मचारी अमानुल्लाह की कोरोना से हुई मौत, सफदरजंग अस्पताल में थोड़ा दम, अमानुल्लाह में 1 हफ्ते पहले दिखे थे कोरोना के लक्षण। दिल्ली पुलिस में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। दिल्ली में टीचरों को भी निशाना बना रहा है कोरोना, अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचरों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण खतरनाक हुआ, कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 237 तक पहुंची। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, डीडीएमए की बैठक में एक्सपर्ट्स ने रखे आंकड़े, कहा 31 जुलाई तक होंगे 5 लाख केस। देश में नहीं थम रहा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 9,985 कोरोना पीड़ित बढ़े, देश में कोरोना के कुल 2,76,583 केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 279 लोगों की मौत, अब तक कोरोना ने ली 7,745 लोगों की जान। कोरोना से जंग में थोड़ी राहत भरी खबर, पहली बार एक्टिव केस की तुलना में मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बेहतर, देश में एक्टिव केस 1,33,632 जबकि स्वस्थ होने वाले 1,35,206। राजस्थान में कोरोना का कहर, गहलोत सरकार ने 7 दिनों के लिए सील किया बॉर्डर, सिर्फ इमरजेंसी सेवा और पास वालों की एंट्री। राजस्थान में कुल 11,245 कोरोना केस, 255 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में आज से शराब होगी सस्ती, स्पेशल कोरोना फीस हटाई गई लेकिन वैट 20 से बढ़ाकर 25% किया गया। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल, मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए केस सामने आए, 120 मरीजों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।